29 मई का करंट अफेयर। भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमांड ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया। सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी सीमाओं पर। पटना नगर निगम CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना पटना नगर निगम। नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। इम्प्रिंट इंडिया योजना यानी कि इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक संक्षिप्त रूप है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच एक सहयोगी पहल है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस वैश्विक स्तर पर अच्छे मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए के महत्व को उजागर करने के लिए 28 मई को एक वार्षिक जागरूकता दिवस है। यह 2013 में जर्मन आधारित NGO वॉस यूनाइटेड द्वारा शुरू किया गया था और 2014 में पहली बार मनाया गया था। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2023 का विषय है 2030 तक मासिक धर्म को जीवन का एक सामान्य तत्व बनाना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, WHO और विश्व बैंक ने संयुक्त कुपोषण अनुमान जारी किया है। क्वानेज एक्ट 2011 केंद्र सरकार को विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों को डिजाइन करने और ढालने का अधिकार देता है। सिक्कों के मामले में RBI की भूमिका केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए सिक्कों के वितरण तक सीमित है। एक बार पुनः देखते हैं। भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमांड ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमा पर सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया। पटना नगर निगम CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम है। नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। इम्प्रिंट इंडिया योजना इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक संक्षिप्त रूप है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच एक सहयोगी पहल है। इम्प्रिंट गोवा के लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी के पौट कथा लेखक दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने नेविगेशन समूह के लिए दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। GSLV NVS-1 नामिक उपग्रह नौवहन सेवाएं प्रदान करेगा। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस वैश्विक स्तर पर अच्छे मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के महत्व को उजागर करने के लिए 28 मई को एक वार्षिक जागरूकता दिवस है। यह 2013 में जर्मन आधारित NGO वॉस यूनाइटेड द्वारा शुरू किया गया था और 2014 में पहली बार मनाया गया था। भारत मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2023 का विषय है 2030 तक मासिक धर्म को जीवन का एक सामान्य तथ्य बनाना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक ने संयुक्त कुपोषण अनुमान जारी किया है। क्वानेज एक्ट 2011 केंद्र सरकार को विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों को डिजाइन करने और ढालने का अधिकार देता है। सिक्कों के मामले में RBI की भूमिका केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए सिक्कों को वितरण तक ही सीमित है।